माहो आना, जो जुमला पढ़ा था मैंने, उसका यही टुकड़ा रह गया था। और फिर हुसैन ने इसका नाम रखा और हम जैसा नहीं रख रहा था, तुम जैसे ने नहीं रखा, हत्ता के आदम ने नहीं रखा, ईसा ने नहीं रखा, हुसैन ने नाम रखा। मशीहत के दूसरे मिजाज का नाम है हुसैन, यानी गोया ज़बाने वही ने नाम रखा है उन। फरमाइए जो खुदा की हुज्जतें हैं ना, ये अपनी औलाद के नाम बेसोच समझ के नहीं रखते, बेसोचे नहीं रख देते, ये तो अपने जानवरों का भी नाम तब रखते हैं जो सिफत उनमें होती है। किसके साथ से गुजर रहे हैं मेरे जुमले और किसके सहने दिल में उतर रहे, जागिएगा सर उठाइएगा। हुसैन ने नाम रखा ऑन, हम दो टके के बंदे हैं, हमें नादे अली का पता है, हुसैन को नहीं था। हुसैन नहीं जानते थे नादे अली क्या है, जिनके सामने उतरी है क्या था नादे अली में, नादे अली का मजहर अजाइब तजिद हो आनंद का फिर नवाज बुलाओ शरी को जो अजायबात का मजहर है, तो अली को मददगार नहीं ऐन मदद पाएगा। तो मेरे बुजुर्गों भाइयों और अजीजों, कोई तो नादे अली का जौहर हुसैन को इस बच्चे में नजर आया कि कहा यहां तकलीफ नहीं देना, क्योंकि जिस शहजादे इमकान के नाम की वजह से मैंने कहा चलो दो चार फिक्रे फजाइल में भी बोल लिए जाए। ऑन के मानी मदद एंड वाओ नो। एक और विरसा हुसैन ने अता कर दिया है ऑन को नाम रखते हुए। मैं अदद बताता हूँ, आप जमा करके बताइएगा कितने बनते हैं। एंड के 70, अभी वाव के बाद में बताऊंगा ताकि जमा करने में आसानी रहे। नून के 50 कितने होंगे और वाव के 6 126, 1 2 3 6 9। ताकि हम जैसे बेइल्म समझ जाएं, सिर्फ मोहम्मद अली की मीरास का वारिस नहीं, ज़ैनब का बेटा है, बतूल की सिफत का। ये जो हर्फ होते हैं ना, इनकी दो सूरतें होती हैं, एक सूरत मकतूबी और एक मलफूजी। घबरा तो नहीं रहे, मैं खुद हैरान हूँ, मुझे नहीं थी उम्मीद कि मैं इतना पढ़ जाऊंगा। एक सूरत
मकतूबी यानी जिस तरह हर्फ लिखा जाता है, एक सूरत मलफूजी जैसे बोला जाता है। अलिफ यूं लिखते हैं, जैसे मेरी उंगली खड़ी है, ये लिखा हुआ है अलिफ, ये मकतूबी सूरत है। अब जरा बोलो अलिफ 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 के बाद लाम और फे की आवाज भी आ रही है। अलिफ ये सूरत मलफूजी है। अब ऑन की मलफूजी सूरत में जरा हरफों का हम जायजा लेते हैं। एन लिखने में तो यूं, बोलने में एन, एन के बाद ये और नून की आवाज भी है। एन जब बोलोगे ये और नून एन के बाद जबान से निकलेगा तलफ्फुज़ के तौर पर। आगे क्या है, वाओ, लिखने में तो सिर्फ यूं है ना, बोलने में वाओ के बाद एक अलिफ है और एक फिर वाओ है। वा, वा, वा। तो एंड के तीन थे हर्फ, एंड ये नून, वाओ के भी तीन, वाओ अलिफ वाओ, आगे है नून। जैसे मछली का छिलका होता है, लेकिन बोलने में नून, नून के बाद वाओ और फिर नून। छः छः छः, तीन तीन छः और फिर तीन नौ, यानी उस सूरत में भी अदद नौ। इस सूरत में भी अदद नौ, मीराश बतूल को जाहिर करता है। शायद मैं जुमला बोलने लगा हूँ, ऐ काश इस वक्त लाहौर या कराची होता मेरे सामने, फिर मैं वो जुमला बोलता। आ गया है, शहजादे के हिस्से का है, बोलूंगा तो जरूर। पता नहीं कितनों के पल्ले पड़े, दो के चार के या अल्लाह करे सब के। इनमें उलमा से पूछना हरूफ दवायर कितने हैं और कौन से हैं। हरूफ दवायर उनको कहते हैं कि जब बोला जाए तो जो हर्फ पहले हो आखिर में भी वही हो। जो हर्फ जब हम पहले अदा हो जबान से आखिर में भी जो है वही हो, और वो है तीन हर्फ। पूरे हरूफ तहजी में अल्फाबेट में तीन ही अर्फ हैं जो हरूफ दवायर कहलाते हैं। एक है मीम, जरा बोलो मीम, मीम से शुरू होता है ये और फिर मीम खत्म होता है, ये दायरा है ना, इसलिए ये हरूफ दवायर कहते हैं। दूसरा अर्फ है नून, नून से शुरू होता है, नून पे खत्म होता है। तीसरा हर्फ है वाओ, वा से शुरू होता है, वा पे खत्म होता है। कान पकड़ के कहने लगा हूं बीबी तेरे राज दुलारे का फलाइल पढ़ते हुए इन हलाल जादों में कहने चला हूं, 14 मासूमीन में एक की मिसाल है ऐसी, या मूसा कादिम के नाम में दो हर्फ दबाए रहे या उनके